स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिससे कई सारे पेरेंट्स और कई सारे टीचर्स जो हैं वो परेशान रहते हैं। तो आज इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो है मोबाइल गेम्स या वीडियो गेम्स या कंप्यूटर गेम्स, ठीक है, जिनको आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं बट पढ़ाई में उनका जो इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ को कैसे हम बदल सकते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो आप सभी को पता होगा कि हमारे पास सिर्फ वीडियो गेम्स, मोबाइल गेम्स, कंप्यूटर गेम्स जिनके अंदर फाइटिंग होती है, या जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि कई सारे ऐसे मोबाइल गेम्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है। सो उसी कैटेगरी में कुछ गेम्स होते हैं जो आपके बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं, स्टडी में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। उस तरह के गेम्स को कहा जाता है एजुकेशनल गेम्स। और ये जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं ये आपके स्टूडेंट्स को, ये आपके बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। सो अगर आप उनको इन एजुकेशनल गेम्स को खेलने देंगे सो ये गेम्स क्या करेंगे, ये आपके बच्चों को गेम खेलते खेलते कुछ नई चीजें सिखाएंगे। जैसे मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे आप इन एजुकेशनल गेम्स को यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए कि आपके बच्चे का जो मैथ सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कमजोर है या मैथ्स में उसको इंटरेस्ट नहीं आता, तो आप कैसे उसका इंटरेस्ट रीडेवलप कर सकते हैं। सो आप इन एजुकेशनल गेम्स की मदद से उसका जो इंटरेस्ट है वो रीडेवलप कर सकते हैं मैथ सब्जेक्ट के लिए। कैसे हो सकता है ये, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक कार रेस का गेम खेल रहे हैं, ठीक है, या आपने अपने बच्चे को बताया कि ये कार रेस का एक गेम है। तो नॉर्मल कार रेस में क्या होता है कि बच्चों को पॉइंट्स मिलते हैं और वो लेवल क्रॉस करते हैं। ये एजुकेशनल कार गेम में क्या रहेगा कि यहाँ पे कुछ नंबर्स रहेंगे और उनका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, और उन नंबर्स के सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, बच्चे का जो दिमाग है वो ट्रेन होगा कि अगर हमने इस नंबर के बाद इतने नंबर तक कार को रन करा है या ड्रैग करा है या मूव करा है, सो इस नंबर में अगर इस नंबर को मैं ऐड करता हूँ तो मुझे ये नंबर मिलेगा। तो ये उसके थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएगा, ठीक है, मेमोरी की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि वो अटेंशन नहीं दे पाता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सो वो उसके अटेंशन को रीगेन करवाएगा। ये साथ साथ कंप्यूटर की चीजों को समझने में भी बच्चों को मदद करेंगे। जैसे जब आप किसी गेम की बात करते हैं तो गेम खेलते वक्त आपका हैंड और आई कोऑर्डिनेशन होता है, तो हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप माउस का यूज करते हैं या कीबोर्ड का यूज करते हैं तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन को देखना है, ना कि इन डिवाइसेस को देखते हुए इनको ऑपरेट करना है। तो ये बच्चों को लिटरेट करेगा कंप्यूटर की चीजों को समझने में, और साथ ही साथ उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ऊपर भी ये वर्क करेगा। अगर आप गेम्स को अपने टीचिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं सो ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है आपके लेसन के अराउंड, और ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को कि वो स्टूडेंट्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो पार्टिसिपेट करें आपके पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, ठीक है, और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लर्निंग की तरफ वापस से आ जाए। सो ये गेम्स मदद करते हैं कि बच्चे पर्टिकुलर चीज के ऊपर अपना इंटरेस्ट वापस से ला पाएं। एजुकेशनल जो गेम्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे कई सारे गेम्स अवेलेबल हैं। तो आज मैं उन्हीं गेम्स के बारे में बात करने वाला हूं, और मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनके थ्रू आप इन गेम्स को यूज कर सकते हैं और बच्चों को कुछ एक्टिविटीज दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ाया है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को इन गेम्स में से कोई एक एक्टिविटी दे सकते हैं, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ में उस एक्टिविटी को करेंगे और 100% पार्टिसिपेशन आपको अपनी क्लास में दिखाई देने लगेगा। सो चलिए देखते हैं इन गेम्स के बारे में, ठीक है, कि ये कौन कौन से गेम्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे जो गेम्स हैं ये ब्राउजर के थ्रू आप रन कर सकते हैं, आप मोबाइल ब्राउजर या कंप्यूटर ब्राउजर के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप देखते जाइएगा। इस वेबसाइट का लिंक है topmarks.co.uk। अब इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिखाई दे रहे हैं, आपको दो टैब्स के ऊपर वर्क करना है। एक है व्हाइट बोर्ड रिसोर्सेज और दूसरा है लर्निंग गेम्स। आप व्हाइट बोर्ड रिसोर्सेज को जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज मिलेंगी। वो एक्टिविटीज क्या है, उनको कैसे यूज करना है, वो मैं आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में दिखा देता हूँ, आप बाकी चीजों को खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड पे आपको दिखाई दे रहा है मैथ्स, लिटरेसी, साइंस एंड हिस्ट्री। तो आप मैथ्स के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे आपको दिखेगा फाउंडेशन, की स्टेज 1, की स्टेज 2। तो सपोज करिए मैं की स्टेज 2 पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने की स्टेज 2 के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा एक नया पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करते हैं।
यहाँ पे देखिए नया पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स की स्टेज 2 फ्रॉम 7 to 11 ईयर ओल्ड, ठीक है। सो जो बच्चे 7 से 11 ईयर की कैटेगरी में आते हैं आप ये चीजें उनको दिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई है, ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसिंग, प्लेस वैल्यू, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, मनी, शेप, पोजिशन एंड मूवमेंट, मेजर्स मीन मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ये इतनी सारी कैटेगरीज यहाँ पे दी हुई है, आप जिस पर्टिकुलर कैटेगरी पे जाना चाहते हैं आप उस कैटेगरी पे जा सकते हैं। सपोज करिए ये जो ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसिंग है, मैं ऐसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये ऑर्डरिंग एंड सिक्वेंसिंग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो उससे रिलेटेड सारे गेम्स जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब सपोज करिए मैं इसमें से कोई एक गेम जो है वो आपको दिखा देता हूँ। सपोज करिए ये जो रॉकेट राउंडिंग गेम है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक नेट टैब के ऊपर ओपन हो जाएगा। अब इसको मोबाइल पे कैसे यूज करना है या टैबलेट पे कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे आपको एक QR कोड दिखाई दे रहा है, आप अपने मोबाइल या टैबलेट से इस QR कोड को स्कैन करेंगे, सो डायरेक्टली ये जो पेज है या ये जो गेम है वो आपके मोबाइल में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको इतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्ले गेम का बटन दिया हुआ है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस गेम की स्क्रीन आ गई है विथ नंबर लाइन, नो नंबर लाइन, ठीक है। आप चूज कर सकते हैं दोनों में से ऑप्शन। अब आपको कितने तरह के यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहे हैं वो देखिए, अप टू 99 टू नियरेस्ट 10, अप टू 999 टू नियरेस्ट 10, अप टू 999 टू नियरेस्ट 10, ठीक है। इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी पे आप जाना चाहते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिया है अप टू 999 टू नियरेस्ट 10। तो अब यहाँ पे ये गेम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि ये जो 46 दिया हुआ है इसके नियरेस्ट में क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके नियरेस्ट में कौन सा नंबर हो सकता है ये आपको देखना है। सो 40 से 46 का अगर डिफरेंस देखते हैं तो 6 आएगा, 50 से 46 का डिफरेंस देखते हैं सो 4 आएगा, और 56 से 46 का डिस्टेंस देखते हैं तो बहुत ज्यादा रहेगा। सो आपको इसमें राउंड टू द नियरेस्ट 10 के ऊपर क्लिक करना है, तो 50 मेरा जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरीके से ये करेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए दूसरा गेम आ गया है 30, 31, 35, 40। सो इस नंबर लाइन से आपको समझ में आ रहा है कि इसका जो नियरेस्ट 10 है वो कौन सा रहेगा, 30 रहेगा, 40 रहेगा या 35 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो नियरेस्ट रहेगा वो 30 रहेगा। सो इस तरीके से आप जो है इन गेम्स को यूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, फन एक्टिविटीज के साथ में या गेम्स के साथ में, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब ये 0, 2, 5, 10 यहाँ पे नंबर लाइन दिया हुआ है, अब 2 से नियरेस्ट कौन सा रहेगा वो आपको देखना है, तो 0 जो है वो नियरेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप इन गेम्स को जो है वो प्ले कर सकते हैं और यहाँ पे स्कोर भी आता जाएगा। तो ये एक गेम था जो कि लर्निंग विथ फन के कैटेगरी में आता है, आप बच्चों को कुछ नया सिखा रहे हैं वो भी गेम के थ्रू, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आप इस गेम के बारे में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं गेम को स्टार्ट करने से पहले। अब ऐसे ही हम चलते हैं एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक दूसरी वेबसाइट के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है shippardsoftware.com। यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसका मैं आपको होम पेज दिखा देता हूँ। इस तरह से इस वेबसाइट का होम पेज आपको दिखाई देगा। अब इस होम पेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैथ्स दिया हुआ है, लैंग्वेज आर्ट दिया हुआ है, एनिमल गेम फॉर किड्स दिया हुआ है, एनिमल्स फॉर किड्स दिया हुआ है। सपोज करिए हम यहाँ पे चलते हैं मैथ्स के ऊपर। अब हमने मैथ्स के ऊपर जब क्लिक करा तो यहाँ पे अर्ली मैथ्स, बेसिक ऑपरेशन, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, प्लेस वैल्यू, मनी, टाइम, ज्योमेट्री, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। हर एक कैटेगरी के अंदर बहुत सारे गेम्स जो है वो दिए हुए हैं। तो सपोज करिए हम चलते हैं मनी वाले कैटेगरी पे, और यहाँ पे हमने लिया है ये मनी का जो गेम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हमने स्टार्ट कर दिया। सो इस गेम से आप बच्चों को बता सकते हैं जो भी कैलकुलेशन होता है मनी रिलेटेड, जो कि मैथ्स में आता है, वो आप यहाँ पे समझा सकते हैं उनको। अब यहाँ पे क्योंकि ये डॉलर के अंदर चल रहा है, ठीक है, सो डॉलर के बारे में आप पहले उनको बता सकते हैं कि डॉलर किस तरह से वर्क करता है और फिर इसको किस तरह से प्ले करना है ये आप उनको बता सकते हैं। जैसे हम लेवल 1 के ऊपर चलते हैं, हम उनको ये बोल सकते हैं कि ये जो डॉलर है ये रुपीज के बराबर है। जैसे डॉलर 1 लिखा है या डॉलर 20 लिखा है या डॉलर 10 लिखा है, तो उसका मतलब है 1 rupee, 2 rupees, 20 rupees, 10 rupees, ठीक है। इस तरीके से हम समझा सकते हैं उनको। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पॉप द बलून इन ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डॉलर अमाउंट टू द लार्जेस्ट डॉलर। जो सबसे छोटा डॉलर अमाउंट रहेगा वहां से शुरू करना है बलून को पॉप करना और लार्जेस्ट नंबर तक हमको जाना है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा, तो सबसे छोटा हमें यहाँ पे देखना है कौन सा है, 0.26, 0.49, 0.53, तो 0.26 जो है वो छोटा रहेगा। तो इस तरह से आप उस बलून के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, देन फिर 0.49, देन फिर 0.53, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये जो गेम है ये कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट करा, फिर यहाँ पे और थोड़ा सा जो इसका लेवल है वो इंक्रीज हो गया है,
अब 0.8 हमने करा तो देखिए इन्होंने बता दिया कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि 0.07 जो है वो छोटा नंबर है। तो हमने 0.07 को पहले करा, फिर 0.08 को करा, फिर 0.42 को करा, फिर 0.74 को करा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस गेम को प्ले कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा गेम मैंने आपको चिपट सॉफ्टवेयर वेबसाइट का बता दिया। अब चलते हैं एक दूसरी वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है मिस्टर नुसबाउम। ठीक है, ये जो वेबसाइट है ये उसी पर्सन के नाम पे है जिन्होंने इस वेबसाइट को बनाया है। ठीक है, आप इनके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज को मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट का जो होम पेज है वो किस तरह से दिखाई देता है। सो ये इस वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि मैथ्स, लैंग्वेज आर्ट, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी। तो हम चलते हैं, सपोज करिए मैथ्स ही हम लेते हैं। तो मैथ्स के अंदर हम आए, यहाँ पे आपको मैथ्स के जितने टॉपिक मोस्टली पढ़ाए जाते हैं स्कूल्स में, जैसे काउंटिंग, डेसिमल, डिवीजन, सपोज करिए हम काउंटिंग पे चलते हैं। जब आप काउंटिंग कैटेगरी के ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ गेम्स दिखाई देंगे, जैसे सी हॉर्स क्रॉनिकल्स ऑनलाइन गेम, रेनबो जूस ऑनलाइन गेम, मैगजीन द यूनिकॉर्न, मैथ पिलर ऑनलाइन गेम। ठीक है, कई सारे गेम्स यहाँ पे हैं। तो सपोज करिए हम किसी एक पर्टिकुलर गेम के ऊपर जाते हैं, जैसे ये ट्रेजर क्लिफ, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं गेम शुरू करने से पहले। तो अगर आपको इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आप यहाँ पे इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से बैक जाएंगे और यहाँ से प्ले के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे उस नंबर के ऊपर जाना है जहाँ पे आपको कॉइन दिख रहा है। तो आपने यहाँ पे नंबर को एंटर करा 42। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला है। हमने गैस करा एक पर्टिकुलर नंबर को, फिर हमने यहाँ से दूसरे नंबर को गैस करा, मान लीजिए 61। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो गैसेज हैं वो नंबर आते जा रहे हैं, और यहाँ पे आपके जो ट्राइज, आपको जो दिए हुए चांसेस जो आपको दिए हुए हैं वो कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने यहाँ पे करा 71। ठीक है, 71 पे भी हमें कुछ नहीं मिला है। फिर हमने करा 80। तो इस तरीके से ये कई सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है जिनको आप यूज कर सकते हैं। फिर एक दूसरी वेबसाइट यहाँ पे है जिसका नाम है pbskids.org। इस वेबसाइट का URL है pbskids.org/games। इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारे गेम्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए न्यू गेम्स, पॉपुलर गेम्स, नेचर गेम्स, फीलिंग गेम्स, कई सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे लेटर गेम्स, हम लेटर गेम्स पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि ये लेटर्स से रिलेटेड कुछ गेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे ये जो है सैंडबॉक्स सर्च, इसको हम देखते हैं। गेम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो इस तरह से ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा गेम का आपको। ठीक है, सो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे विच इज रिलेटेड टू द लेटर बी, और आप अपने माउस को मूव करते जाएंगे सो आपको ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिलते जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से बच्चों को पता भी पड़ता जाएगा दैट फ्रॉम बी अल्फाबेट से कितने सारे वर्ड्स जो है वो बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो,
नए नए वर्ड्स को सीख सकते हैं। इन छोटे छोटे गेम्स के थ्रू वो कई सारी नई चीजें जो हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये कितना इंटरेक्टिव गेम है और बच्चों को इसको खेलने में बहुत मजा आएगा। तो यहीं पे हम इस गेम को क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखा आपने कि ये जो गेम्स रहते हैं ये कितने इंटरेक्टिव गेम्स हैं जो कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे नई चीज़ों को सीखने के लिए। और बच्चे जो आपकी बातें नहीं सुनते हैं या जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, तो आप उन बच्चों का जो माइंड है वो डाइवर्ट कर सकते हैं इन गेम्स के थ्रू टुवर्ड्स द लर्निंग। तो कई सारे गेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन गेम्स का यूज कर सकते हैं, उनको एक एक एक्टिविटी दे सकते हैं, उनको टास्क दे सकते हैं और वो बहुत सारी नई चीजें जो है वो सीखते चले जाएंगे। तो ये गेम्स जो है वो आपको ऑनलाइन टीचिंग में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं अगली वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का नाम है funbrain.com। funbrain.com का URL मैंने आपको दिखा दिया है। अब इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे मेन्यू बार पे कई सारे ग्रेड्स मिलेंगे, आप ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्लास 8th पे जाता हूँ, ग्रेड 8th पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये पेज लोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ गेम्स जो है वो आपको दिखाई देंगे और कुछ रीडिंग एक्टिविटीज आपको दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे देखिए रीड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है। सो जिस पे प्ले लिखा है वो गेम है और जिस पे रीड लिखा है वो रीडिंग एक्टिविटी है। सपोज करिए ये मेरा एक गेम है वाइन टाइम, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ क्योंकि ये गेम है, तो मैंने इसके प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट करेंगे सो ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि जो गेम साइज में बड़े होते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने में, तो आपको वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे प्ले नाउ का बटन आ गया है, मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, ये लोड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिल द मंकीज बास्केट विथ फ्रूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंकी है जिसके पास एक बास्केट है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं। अब ये जो मंकी है ये रोप के ऊपर ट्रेवल करेगा, आपको बस ध्यान रखना है कि आप उसके दोनों हाथ जो है वो रोप से ना हटाएं। अगर आप दोनों हाथ रोप से हटा देंगे तो वो गिर जाएगा। तो आपको एक हाथ से रोप को पकड़ना है और दूसरे हाथ से फ्रूट्स को कैच करना है। तो आप माउस के कर्सर के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हाथ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे। तो इस तरह से देखिए हैंड और माइंड का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे एक फ्रूट को इसने कैच कर लिया है, तो एक फ्रूट जो है वो बास्केट में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा फ्रूट है, उसको भी मैंने कैच कर लिया और बास्केट के अंदर डाल दिया। सो टू, देन यहाँ पे आपको और दिखाई देगा एप्पल्स, तो आपने इसको कैच कर लिया और इसको बास्केट के अंदर पुट कर दिया। फिर आप और थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, आपको दूसरे हाथ से मंकी को दूसरे रोप के ऊपर क्लिक करवाना है और फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के आप इस तरीके से बढ़ेंगे और बास्केट के अंदर कर देंगे। और फिर आप और आगे जाएंगे तो आपको और एप्पल्स मिलेंगे। यहाँ पे एक और एप्पल है, इसको आपको पकड़ना है। हम ट्राई कर रहे हैं पहले रोप को पकड़ने की, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। हमें ये एप्पल मिल गया है। तो आप देख सकते हैं ये खेलना बहुत आसान है, बट बच्चों को ये एक्टिविटी है बहुत पसंद आएगी और इससे वो कुछ नया सीख सकते हैं। कंप्यूटर माउस और कीज कैसे वर्क करते हैं, माउस को कैसे यूज करना है, कैसे मूव करना है, ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं ये आप गेम के थ्रू उनको सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको एजुकेशन गेम्स बता सकते हैं नई चीजें सीखने के लिए और डेफिनेटली उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा लर्निंग की तरफ और वो नई चीजें सीखेंगे इन गेम्स के थ्रू। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपको अपने बच्चों के अंदर या अपने स्टूडेंट्स के अंदर चेंज दिखाई देता है जब आप उनको ये गेम्स बताते हैं और वो इन गेम्स को यूज करते हैं और आप जो उनको पढ़ाना चाहते हैं वो खुद से सीखने लग जाते हैं, तो आपको रिजल्ट के फॉर्म में दिखाई देगा। जब आप उनके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो सारी चीजों को समझने लगेंगे, वो आपकी क्लास में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे जो टीचर है वो मुझे नए एक्टिविटीज देने वाले हैं, नए गेम्स बताने वाले हैं। सो आप उनको सारी चीजें एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उनको बताइए, जिससे उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे और वो रोज आपकी क्लास में इंटरेस्ट के साथ में आए और कुछ नई चीजें लेके जाए। और घर पे जब वो आपके बिना हो तो तब भी वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहे इन एक्टिविटीज के थ्रू, इन गेम्स के थ्रू। जो बच्चे वीडियो गेम्स की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं उनको अगर आप ये गेम्स देंगे तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करिए अपने ग्रुप ऑफ टीचर्स के साथ में, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ।